हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के बेसिक प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यहां पर अगर देखें दोस्तों, तो जो लड़का तैयारी प्रारंभ करता है तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है, उसका परिचय से ही। तो उसी प्रकार उससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं और जो नए लड़के हैं उनके लिए उपयोगी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पुराने हैं दोस्तों तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि झारखंड भारत का राज्य है। तो झारखंड जो है भारत का राज्य है दोस्तों, 28वां राज्य है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अभी वर्तमान में अगर पूछेगा कि भारत में कितने राज्य हैं तो 28 राज्य हैं। इससे पहले जब तेलंगाना बना था दोस्तों, तो तेलंगाना का गठन 29वें राज्य के रूप में हुआ था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसको विलय किया गया, बनाया गया, तो यहाँ पर आपके राज्यों की संख्या घट गई और वर्तमान में 28 हैं। आपको पता होगा कि 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन हुआ था। 1 नवंबर का गठन हुआ था दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ का। उसी प्रकार 9 नवंबर का गठन हुआ था आपका उत्तर प्रदेश से अलग कर करके उत्तराखंड का। उसी प्रकार देखें तो 15 नवंबर को झारखंड का गठन हुआ था बिहार से अलग करके। ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका क्रम भी उसी प्रकार है दोस्तों कि 26वां, 27वां और 28वां राज्य के रूप में। और 29वां कौन बना था? तो तेलंगाना, जो 2014 में बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य की उप राजधानी है। तो झारखंड राज्य की उप राजधानी के रूप में विकसित करने का बात कहा गया था किसको? तो दुमका को कहा गया था, तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ये संथाल परगना के अंतर्गत जिला आता है दुमका। उसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो औद्योगिक राजधानी कहा जाता है कि जमशेदपुर को माना जाता है। यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका, उप राजधानी दुमका और औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, और राजधानी तो आपको पता ही होगा कि रांची में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। तो झारखंड राज्य का अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए दोस्तों, तो आपको पता होगा कि इसका अक्षांशीय विस्तार अगर देखें तो इस तरह से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम करेंगे तो झारखंड जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका हो जाएगा कि 21 डिग्री 58 मिनट। यहाँ पर अगर नीचे से चलेंगे दोस्तों 8 डिग्री से, तो यहाँ पर हमारे झारखंड पहुँचते पहुँचते हो जाता है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार ग्रीनविच से अगर देखा जाए तो हमारे झारखंड में आते आते अगर यहाँ पर, तो हमारा हो जाता है दोस्तों 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट। तो 83 19 50, यहाँ पर एक 50 भी होगा दोस्तों कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ज्ञान होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर झारखंड राज्य का विस्तार है। यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तर में बिहार और दक्षिण में हो जाएगा उड़ीसा, ये जो टच करती है लास्ट, तो इसकी सबसे ज़्यादा मतलब दूरी उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है? तो झारखंड के उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी जो दूरी है वो हो जाएगा आपके, लंबाई कहना चाहिए तो 380 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे तो उसमें चौड़ाई भी जान लेंगे। अगला प्रश्न है कि पूरब से पश्चिम दिशा की ओर झारखंड राज्य के विस्तार है। यानी पूरब से यहाँ से, यानी ईस्ट से वेस्ट की, इसकी पूछ रहा है कि इसका विस्तार कितना किलोमीटर है? तो यहाँ पर इसका किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों 463 किलोमीटर। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूरब में आपका पश्चिम बंगाल से लेकर के हम लोग अगर देखें दोस्तों, पूरब के जस्ट अपोजिट में हो जाएगा पश्चिम, तो पश्चिम में आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ तक इसका जो सीमा रेखा है वो लंबाई ज़्यादा है। आपको पता होगा कि झारखंड की चौड़ाई ज़्यादा है और इसका चित्र भी चतुर्भुजानुकार है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड का आकार कैसा है, तो चतुर्भुजानुकार है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन फिलहाल आप अगर देखेंगे तो 15वां यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल में अगर बात करें दोस्तों, तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर का अगर स्क्वायर फीट अगर देखा जाए
तो 2,22,000 के आसपास इसका स्क्वायर फीट है, लेकिन इसमें से अगर देखें तो 1,37,000 के आसपास जो कब्जा दूसरे देशों का है, जैसे कुछ POK है, फिर LOC मतलब ये आपका हो जाएगा चीन का कब्जा है, तो पाकिस्तान का कुछ कब्जा है, कुछ चीन का कब्जा है इसमें। लेकिन अब यहाँ पर देखें दोस्तों, तो इसमें भी अब जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो गया जो लद्दाख, तो अब 1,37,000 के आसपास जो एरिया बचा था हम लोग का, उसमें से भी लद्दाख को 59,000 दे दिया गया, 59,100 कुछ दिया गया है स्क्वायर फीट। तो हमारा लद्दाख जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल है बहुत कम हो गया है। तो इस तरह से हमारा झारखंड से अब छोटा हो गया है, जो झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 है। तो इस तरह से यहाँ पर 15 आंसर होना चाहिए। अब आयोग क्या इसका डिसाइड करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि अगर पूरे ऑल ओवर अगर जम्मू कश्मीर के एरिया को ले लिया जाए, POK वगैरह और जो चीन का एक कब्जा है वो सबको मिला दिया जाए, तो उस हिसाब से हमारा अगर है 16 होगा। तो आप यहाँ पर 16 याद रखिएगा और ऑप्शन में क्या देता है उस तरह से आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने गूगल करके भी देखा तो कहीं 15 दे रहा है तो कहीं 16 दे रहा है, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है, तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। बेसिक चीज़ें याद करना है, देखिए 79 आ गया और 7×2=14 ऐसे याद कर सकते हैं, तो 7×2=14 याद रहेगा लास्ट वाला, तो आप पकड़ भी सकते हैं कि ये 80 से कम था, यानी कि 79,714 वर्ग किलोमीटर। अब यहीं पर देखा जाए दोस्तों कि पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल है, तो पूरे भारत का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि 32,87,000 किलोमीटर है। 32,87,000 अगर पूरा याद करना है तो आप कर सकते हैं दोस्तों, 263 किलोमीटर ही है, लेकिन आप 32,87,000 इतना याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं और उतना पकड़ा जाता है। और झारखंड का कितना, 79,714। तब यहाँ पर एक कंपेरिजन ये भी पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत है, तो इसका कितना प्रतिशत होगा उसको निकाल लीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है उसको देख ही लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का मुख्य कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो 32,87,000 का 79,714 को निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 2.82%। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि उतना निकाल नहीं पाइएगा तो इसको ये भी याद रखना है कि कितना प्रतिशत, 2.42% भू भाग जो है पूरे भारत का झारखंड में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति पूछा जा रहा है, तो व्यक्ति में थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति जो है ना ऐसे है, व्यक्ति हैं जो 2 बार 3 बार ऐसे बने हुए हैं, तो इस चलते व्यक्तियों के क्रम में देखा जाए तो अभी तक 6 ही व्यक्ति इस पद पर आसीन हुए हैं। कौन कौन दोस्तों, तो बाबूलाल मरांडी हो गए, अर्जुन मुंडा, एक साथ ले लीजिए दोनों को, इसके बाद मधु कोड़ा और रघुवर दास को एक साथ ले लीजिए, 4 हो गए, और इधर हेमंत सोरेन जी और उनके पिताजी शिबू सोरेन जी, बाप बेटा दोनों, तो इस तरह से लोग 6 ही लोग अभी तक झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। और क्रम के आधार पर अगर बात करें दोस्तों, तो हेमंत सोरेन अभी 11वें क्रम में हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में पुराना प्रश्न है दोस्तों, तो वर्तमान वाला को अभी मैं बता दे रहा हूँ, और जो चेंज होगा तो आप एक बार एग्जाम देने से जाने से पहले गूगल करके सर्च कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो अभी वर्तमान में रवि रंजन यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, और रवि रंजन से पहले और अनिरुद्ध बोस थे, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया, अभी सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, तो उनके बाद कुछ कार्यवाहक भी आए थे, तो कार्यवाहक 2 लोग आए, इसके बीच में 2 कार्यवाहक के रूप में कार्य करते थे, जो वरिष्ठ होता है उन्हीं को कार्यवाहक का भार सौंपा जाता है, और उसमें से भी एक कैंसर से पीड़ित हो गए और उनकी भी डेथ हो गई। तो अभी वर्तमान में देखा जाए अपॉइंटमेंट कौन है, तो रवि रंजन जी अपॉइंटमेंट है अभी झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। और महाधिवक्ता कौन है, तो राजीव रंजन, तो दोनों का नाम मिलता जुलता है, कन्फ्यूजन मत होइएगा, महाधिवक्ता राजीव रंजन और मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने जिले हैं। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, JPSC में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखे जाए तो कितने जिले हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 जिले हैं। और सबसे बाद में कौन सा जिला बना, तो सबसे बाद में जिला बना था आपका रामगढ़। और रामगढ़ कब बना था दोस्तों, तो इसका डेट भी याद रखिएगा कि 12 सितंबर 2007 को बना था,
क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि सबसे अंतिम जिला कब बना, और डेट के साथ भी दे देता है। तो जब झारखंड का गठन हुआ था, जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार के 46% भूभाग से अलग करके झारखंड का गठन किया गया, और गठन के समय मात्र 18 ज़िले थे, और बाद में देखिए तो धीरे धीरे ज़िलों की संख्या बढ़ती गई और वर्तमान में भी 24 ज़िले हैं। और सबसे अंतिम ज़िला जो गठन हुआ वही पूछा जाता है, तो उसका नाम याद रखना है रामगढ़, और इसका गठन हुआ था 12 सितंबर 2007 को। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कुल कितने संसदीय सीटें हैं। तो कुल संसदीय सीटें पूछा जा रहा है, तो कुल संसदीय सीटें हो जाएगा आपका 14 लोकसभा के और 6 राज्यसभा की सीटें। तो संसद में कितने लोकसभा राज्यसभा प्लस में राष्ट्रपति, तो यहाँ पर संसद के जो चुनाव होते हैं लोकसभा राज्यसभा में होते हैं, तो झारखंड से टोटल 20 सीटें दिया गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा में झारखंड की कुल कितने सीटें प्राप्त है। देख रहे हैं दोस्तों जेपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। तो लोकसभा में झारखंड की अगर देखा जाए दोस्तों, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कि 14 सीटें प्राप्त है। 14 सीटें में से भी देखिए दोस्तों, तो सीट का जो बंटवारा हुआ है, तो एससी के लिए एक सीट दिया गया है, जो पलामू संसदीय क्षेत्र है वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है। वहीं प्रकार एसटी की बात करें तो एसटी के लिए 5 सीटें को रिजर्व किया गया है, और जो बची सीट यानी 8 सीट बच गए दोस्तों, तो 8 सीट पर जनरल सीट कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कुल प्रखंडों की संख्या है। तो कुल प्रखंडों की संख्या भी वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, तो 264 प्रखंड देते हैं अभी वर्तमान में, क्योंकि 260 थे, फिर 3 बना तो 263 हो गए, और फिर 1 बना तब 64 हो गए। तो इसलिए प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि नवनिर्मित इसमें प्रखंड शामिल हुए हैं, इसलिए प्रश्न बनते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑप्शन में वहाँ आपका 60 देगा और वहाँ पर 64 भी देगा, तो उसको ध्यान में रखना है कि 64 अभी वर्तमान में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है, तो दो, यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इसको सी याद रखिए कि 2662 वर्ग किलोमीटर, लेकिन मैं इसको बोलूँगा दोस्तों का गूगल करके इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसकी लंबाई घटते बढ़ते रहती है, हमेशा हम देखते हैं कि चेंज होते रहता है। जब भी नई सरकार आती है तो और 2 किलोमीटर बढ़ा देती है, 4 किलोमीटर बढ़ा देती है, तो इसको आप अपडेट रखिएगा, जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो सब चीज़ों को अपडेट करके जाइएगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादातर करंट अफेयर से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको आप गूगल करके, अभी नहीं जब एग्ज़ाम देने जाना होगा उस समय कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में कुल जिलों की संख्या थी। तो झारखंड राज्य के निर्माण के समय अगर देखें तो 18 जिले थी, जो बिहार के जो भाग थे 40% जो दक्षिणी इलाका था बिहार का, उसके अलग करके और उसके जो जिले थे उसको यहाँ पर देखें तो झारखंड के गठन किया गया उसे अलग करके। तो उस समय अगर देखा जाए दोस्तों, से जब बना था हमारा झारखंड, उस समय मात्र 18 जिले थे, और वर्तमान में अगर पूछेंगे तो 24 जिले हैं अभी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में सर्वाधिक जिले हैं। तो सर्वाधिक जिले पूछ रहा है दोस्तों, तो उत्तरी छोटा नागपुर में सर्वाधिक जिले हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आपको सब यहाँ पर झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल में कौन कौन जिले आते हैं, जैसे पलामू हो गया, कोल्हान हो गया, तो इसमें तीन आते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में तुम आपके कितने आएंगे, और दक्षिणी छोटा नागपुर में जैसे 5 आएंगे, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले आएंगे। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, ताकि आपको याद रखना, आपको संथाल परगना में जाइएगा तो वहाँ भी 6 जिले आते हैं। तो जिलों का आप कौन से एरिया में है उसको याद रख सकते हैं, और ये सब याद रहता है, पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाएगा, रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम संसदीय क्षेत्र, तो इसको भी याद रखना है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। तो सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम संसदीय क्षेत्र और सबसे छोटा चतरा संसदीय क्षेत्र, और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है।
तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका हो जाएगा दोस्तों चतरा, और चतरा को कहा जाता है कि ये छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी है, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर पर्वत ही जो एरिया है हमारा छोटा नागपुर प्रदेश, यानी छोटा नागपुर जिसको रूर प्रदेश भी कहा जाता है पठार, तो उसका बोला जाता है कि प्रवेश द्वार कौन सा है, फिर प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना कि चतरा है वो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, उसे ही चतरा जिला को प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो झारखंड का अगर देखें दोस्तों तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र भी है, और सबसे बड़ा तो पश्चिमी सिंहभूम और छोटा चतरा जिला। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में निवास करने वाली कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। तो झारखंड राज्य में निवास करने वाली कुल अनुसूचित जनजातियाँ कितने हैं दोस्तों, तो 32 हो जाएंगे, और 32 में से भी जो 8 हैं दोस्तों वो आदिम जनजाति है, और 24 जो हैं आपको जनजाति हैं, जनजाति तो सभी हैं 32 हो, लेकिन उसमें से 8 को आदिम जनजाति के रूप में घोषित किया गया है। आदिम जनजाति मतलब अत्यंत पिछड़ा जनजाति, जिसका शिक्षा स्तर निम्न हो, उनका व्यवसाय का स्तर अभी भी पुरानी परंपराओं पर आधारित हो, तीन सब चीज़ों को मापदंड को देखते हुए इनको आदिम जनजाति घोषित किया जाता है। आपको पता होगा कि 2003 में हमारे दो अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया है, कौन कौन, तो कोल और कंवर। कोल और कंवर जो जनजाति है दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि इसको कब शामिल किया गया है जनजाति की सूची में, तो 2003 में शामिल किया गया है। इससे पहले कितने थे, तो इससे पहले 30 ही थे, अब हो गए 32, तो कोल और कंवर शामिल होने के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है, तो झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो आपके यहाँ हो जाएगा कोयल, यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अभी नया लोगो जो लॉन्च हुआ है दोस्तों, उसमें कुछ चीज़ें के दिया हुआ है, सब चीज़ों को शामिल करके बनाया गया है, तो उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसको भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का राजकीय पशु है, तो झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है दोस्तों, तो हाथी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी, जो दलमा अभयारण है, तो दलमा अभयारण हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और पक्षियों के लिए उधवा पक्षी बिहार जो सबसे ज़्यादा चर्चित है साहिबगंज जिला में, वो भी प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा साथ ही में। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है, तो झारखंड राज्य का जो राजकीय वृक्ष है ये हो जाएगा आपका साल। अब देखिए दोस्तों, जो साल वृक्ष है उसको सखुआ पेड़ बोलते हैं, सराई के भी पेड़ बोलते हैं, और इसी साल वृक्ष के नए फूल और पुष्प आने की खुशी में प्रकृति का पूजा जो होता है इनके साथ शामिल करके सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा था कि सरहुल पर्व में किसकी पूजा की जाती है, तो साल वृक्ष की पूजा की जाती है। क्यों, तो साल वृक्ष जो बसंत ऋतु आता है दोस्तों, तो उस दौरान इस पेड़ में नए नए फूल और पत्ते आते हैं, और उसी की सुंदरता और खुशबू के प्रतीक के रूप में एक प्रकृति के साथ पूजा की जाती है, वो होता है सरहुल पर्व। अगला प्रश्न है कि झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है, तो इसको नए लोगों में शामिल किया गया है दोस्तों, तो राजकीय फूल जो है आपका हो जाएगा पलाश, जिसको गांव देहात में पारसा के पेड़ बोलते हैं, जिसमें लाख का उत्पादन किया जाता है। लाह समझते हैं दोस्तों, जो लाह अनुसंधान केंद्र हमारे जो रांची में है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। लाह जैसे बैर का पेड़ हो गया, कुसुम का पेड़ हो गया, और परास के पेड़ हो गया, तीनों को पेड़ में ज़्यादातर लाह का उत्पादन किया जाता है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन किस में होता है, तो पलास के पेड़ में, और फिर बैर के पेड़ में। जो बैर जानते होंगे, जिसको आप लोग खाते हैं, जो मार्केट में बड़ा बड़ा साइज मिलता है, गाँव देहात में छोटा भी मिलता है, जिसको बैर बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न को सम्मिलित करिए, एक साइड हो गया राजकीय प्रतीक, एक साइड वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है, तो चलिए इसको भी मिला के इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो ब्रिज को अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं, तो सोरिया रोबस्टा बोला जाता है, तो यहाँ पर इसका एक का ए हो जाएगा। पुष्प जो हमारा जो पुष्प है कौन सा है, तो पलाश का पुष्प है, उसको वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और जो पशु है, तो पशु कौन सा है, तो हाथी है राजकीय पशु, उसका वैज्ञानिक नाम है एलिफेंटा मैक्सिमस। उसी प्रकार जो पक्षी है आपका कोयल पक्षी है, इसको बोला जाता है एडिनाइमस एस्क्लोपिसेस। तो यहाँ पर इसका आंसर एक का एक, दो का दो, और तीन का तीन, और चार का चार हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है।
इसको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि अभी इतना समाप्त करते हैं, मेरा खांसी बहुत उपट रहा है, तो इसको मैं कल कंटिन्यू बचे हुए चीज़ों को कर दूंगा आगे, जो आपके जो भी प्रश्न है इसमें से लगभग 75 प्रश्न है इस बेसिक चीज़ें से संबंधित, तो उसको 50 को मैं बाद में शामिल करके बना दूंगा अगले वीडियो में। और कौन कौन लड़का जेपीएससी का तैयारी कर रहा है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जेपीएससी के अनुसार से कुछ चीज़ों को नोट बना रहा हूँ, प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपके लिए भी यूजफुल हो, तो अगले वीडियो से मैं उसको डालूंगा, इसलिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन लड़का जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।